हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। सो गाइस, आज आप देख सकते हो मेरे पीछे मैं आज आया हूँ जामा मस्जिद। आज आप लोगों को जामा मस्जिद पूरी अच्छी तरीके से दिखाऊँगा, सब चीज़ एक एक चीज़ दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक मेरे ब्लॉग को देखिएगा। जामा मस्जिद के अंदर जाने के लिए आपको 35 सीढ़ियां चढ़ने पड़ेंगी, क्योंकि ये मस्जिद काफी ऊंची बनवाई गई थी। एंड गाइस, ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर लिखा है कि अंदर टिकटॉक वगैरह वीडियोस बनाना नॉट अलाउ है, आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते। सबसे पहले तो शूज मैंने यहाँ पर रख दिए अपने। और अब मैं अंदर आ गया हूँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में, जिसका नाम है जामा मस्जिद। एंड गाइस, आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अगर गाइस आप लोगों को नहीं पता कि ये मस्जिद किसने बनवाई थी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी 1648 में। गाइस, ये वाला जो आप देख रहे हो ये गेट नंबर 2 है, और जहाँ से मैंने एंट्री ली है वो गेट नंबर 1 है। इसके 3 गेट हैं, पहला वो रहा जहाँ से मैंने एंट्री ली है, एंड सेकंड ये है, और तीसरा वहाँ पर है, वो रहा तीसरा। ये अभी बंद कर रखे हैं, वरना मैं आपको यहाँ से भी दिखाता, यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, यहाँ से पूरा मीना बाज़ार दिखता है। एंड ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेहराब बना रखा है, जो कि हर मस्जिद और हर किले में होता था पहले टाइम में, यहाँ पर लोग बैठा करते हैं। अगर आपको उस मीनार पे जाना है, वो वाली मीनार, तो आपको उसका टिकट लेना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा। यहाँ पर आप वुजू खाना देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लोग बैठकर वुजू करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को पाक करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आप ये कवर्ड जगह देख रहे होंगे वुजू खाने के पास, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे कवर्ड क्यों कर रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कवर्ड इसलिए कर रखा है बिकॉज शाहजहां ने ख्वाब में देखा था हमारे हुजूर ने यहाँ पर बैठ के वुजू किया था, तो इसलिए इसको कवर्ड कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई और नहीं बैठ सके। यहाँ पर लिखा है कि आप मस्जिद के अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत दिखाने का। यहाँ पर फाउंडेशन लगी हुई है गाइस, बिकॉज यहाँ पर अंदर सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लोग ही जा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं उस वक्त की कलाकारी क्या कमाल की थी, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और कैसा आलीशान जैसा बनाया गया है। गुंबद और दीवारों की बात करूं तो गाइस, यहां पर व्हाइट संगमरमर का यूज किया गया है, एंड रेड कलर का भी आप देख सकते हैं, व्हाइट, रेड एंड व्हाइट भी यूज किया है।
कितने की मीनार टिकट? 50 देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर मीनार की टिकट ले ली है, 50 रुपए की टिकट है खाली मीनार की। एंड यहाँ पर आप मस्जिद में आओगे तो इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ मीनार को ऊपर जाने का 50 रुपए का टिकट है। देख सकते हो आप गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। अभी और ऊपर जाना है तो चलो मैं आपको मीनार में लेके चलता हूँ। गाइस यहाँ से आप पूरी जामा मस्जिद देख सकते हो और अभी तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, ऊपर मीनार में और भी बढ़िया लगेगा। तो चलो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। और ये अभी रस्सियों से बंद कर रखा है लेकिन पता नहीं क्यों। ओह, दूसरी वाली मीनार जो मतलब मेन मीनार है उस पर मैं अब जा रहा हूँ, तो चलो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। टिकट भी दिखाना पड़ेगा? हाँ भाई बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, टिकट चलो चलते रहिए। एंड यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा नज़ारा है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं इस मस्जिद में 25,000 से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। एंड जामा मस्जिद को बनाने में गाइस 6 से 7 साल लगे थे। तो काफी पतले जीने हैं यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो यहाँ से सिंगल बंदा भी नहीं निकल सकता, मुझे कितने देर तक टेढ़ा रहना पड़ा। गाइस यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। अभी और ऊपर का चल के दिखाता हूँ। चलो भाई चलो आ जाओ। कितनी ऊपर है, रुक जाओ भाई, कितनी ऊपर है और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद मैं ऊपर पहुंच ही गया हूँ। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नीचे का कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और इस वक्त खड़ा हूं मैं दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार में और आप देख सकते हैं गाइस यहां से कितना प्यारा व्यू है। और यहां पर आने का मेरे को अलग ही एक्सपीरियंस था, मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता मुझे यहां पर कितना आराम मिल रहा था। यहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं आ रही थी गाइस, ठंड में भी बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। गाइस यहाँ से आप लोगों को पूरी दिल्ली का नज़ारा दिख जाएगा, इधर चावड़ी बाजार, बल्ली मरान, एंड इधर की साइड आप लोगों को लाल किले की तरफ का दिख जाएगा। यहाँ पर कोहरा हो रहा है तो आपको लाल किले का नहीं दिख पाएगा, अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊंगा। और यहाँ पर भी कुछ बेवकूफों ने इन दीवारों पर अपने आशिकों के नाम लिख रखे थे। सो गाइस अगर आप भी किसी मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाएं सो प्लीज आप ऐसी हरकतें मत करना। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी हरकत करता हुआ दिखे सो प्लीज आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ। एंड अब वक्त आ गया है मीनार से नीचे उतरने का। तो नीचे मैं आ गया हूँ, आप लोगों को मैंने मीनार का ऊपर का दिखा दिया है सब। 50 रुपए का टिकट है, आप लोग आ सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, पूरी दिल्ली का नजारा दिखेगा आप लोगों को यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारा? जीशान। चलो व्लॉग में देखना पूरा आपको, ठीक है? गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं उस समय जामा मस्जिद को बनाने में पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। यहाँ
यहाँ पर अजान होने लगी है तो इसलिए मीनार से सबों को नीचे उतार रहे थे, बिकॉज बंद हो जाती है मीनार, मीनार का गेट बंद कर देते हैं। गाइस ये आप देख सकते हो, ये जो सामने जो गली जा रही है ये पूरी मार्केट लगती है, मटिया महल पूरी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये। यहाँ से ये गेट बंद कर रखा है, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। मीनार से नीचे उतरने के बाद एग्जाम से मुझे यहाँ पर दिखा वुजू करता हुआ सऊद, ये बेचारा मेरा कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, आखिरकार मेरा पक्का दोस्त जो है। उस वक्त हैदराबाद के निजाम मीर उस्मानी साहब से दरखास्त की गई थी कि इस मस्जिद को बनाने के लिए 75,000 का दान दें। उन्होंने 75,000 नहीं बल्कि 3,00,000 रुपए का दान दिया था इस मस्जिद को। और यहाँ से अब वक्त आ गया था जोहर की नमाज अदा करने का। तो पूरी जामा मस्जिद मैंने आप लोगों को दिखा दी है गाइस। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी और बाकी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइस, थैंक यू। अलविदा लेता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। कीप सपोर्टिंग।